क्या कारण है कि जो मिलिट्री फार्मों को ये बंद किया जा रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ कि क्या कारण है जो ये गवर्नमेंट ने सोचा है कि 128 साल से जो काम कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट अंग्रेजों ने बनाया है, क्यों बनाया था कि फौज को एक स्वच्छ दूध दिया जाए। एक दूध ऐसी चीज है डाइट के अंदर कि जो सेहत के लिए सबसे जरूरी है। इस हिसाब से जो डेयरी फार्म को बनाया गया था, और हम लोग जो पैदा करते हैं दूध, वो बड़ा फ्रेश दूध पैदा करते हैं। सवेरे पैदा करके 4 घंटे के अंदर फौजियों को मिल जाता है, पैक किया हुआ, पैसराइज करके गाड़ियों में। कोई ऐसी डेयरी है जो 4 घंटे के अंदर दूध सप्लाई कर दें? हाँ, और वो भी जो सप्लाई करती है वो भी सिंथेटिक पाउडर वाला। और आपको ये बता दूँ, वो सारे मिल्क प्रेजर्वेटिव होते हैं जिनको पीने से लॉन्ग रन के अंदर हार्ट और स्किन के अंदर बीमारी होती है। कोई दूध ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो प्रेजर्वेटिव ना डाला हो, क्योंकि दूध की डेफिनेशन है कि दूध 4-5 घंटे बाद फट जाता है। लेकिन जितनी डेयरियाँ दूध सप्लाई करती हैं, अगर आप उनका पैकेट देखोगे तो 24 घंटे के बाद भी आपको वहीं पड़ा मिलेगा, फटता नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे प्रेजर्वेटिव डाले हुए हैं। तो ये महकमा बहुत ही अच्छा है, ये महकमा फौज को दूध नहीं अमृत पिला रहा है। इसको इनको बचाना चाहिए। एक एक ऐसी चीज़ है जवानों को, अपने जवानों को देनी चाहिए जो हमारे लिए ऊपर लड़ रहे हैं सीमाओं के ऊपर। और अगर हम उनको ही अगर पाउडर और प्रेजर्वेटिव दूध पिलाएंगे तो आगे उनकी सेहत पर क्या होगा? तो मेरी हाथ जोड़ के इस गवर्नमेंट से निवेदन है कि कृपया जितने भी हमारे भारतवर्ष से लोग आए हैं, इनकी समस्याओं को देखिए। जो लोगों को रिट्रेंच कर रही हैं, जिनको घर से भेज रही है, जो 30-35 साल के हमारे बेचारे बच्चे जो काम कर रहे हैं। अभी आपने बताया एक औरत 4 बच्चे लेके खड़ी थी, 4 लड़कियां लेके खड़ी थी, वो कहती मैं कहाँ जाऊँगी। ये गला घुटने वाली बात है, इतना बड़ा कहर मत मचाओ। मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज़ इन लोगों की ज़रा सुने और ऐसा कहर मत मचाएं।